नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा कई अपराधियों का खुलासा। आखिर एक दोस्त क्यों दोस्त का कातिल बन गया? आज चंबल की धरती के खूनी किस्से की कहानी भी आपको सुनाएंगे। खंडवा में डबल मर्डर से क्यों सनसनी फैल गई? टीकमगढ़ में इंसान के रूप में कहां भेड़िया मिल गया? आज क्रिमिनल्स में ऐसी ही खबरों को लेकर आपके सामने आए हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर वो क्रिमिनल्स कौन है जो आपके आसपास हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की और सावधानी बरतने की। सवाल कई उस मौत के, सवाल कई उस आखिरी रात के, सवाल कई उस बात की जो फोन पर हुई थी। आखिर फोन पर क्या बात हुई जो एक दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया? जिसकी यारी कल तक गांव कस्बों में जानी जाती थी, वो दोस्त क्यों बन गया अपने ही दोस्त के कातिल का गुनहगार? क्या है इस कत्ल के पीछे का राज, आपको भी देखेगा। क्या हुआ था उस रात? फोन पर ऐसी क्या हो गई बात? क्यों बढ़ गया विवाद? उतार दिया मौत के घाट, क्या है कत्ल का राज? ये खून से सनी जमीन जो हम आपको सही से दिखा भी नहीं सकते, ये मासूम सा चेहरा जिसे इस युवक के परिजन भुला भी नहीं सकते, उन्हें क्या पता था क्या होने वाला है? दोस्त ही दोस्त की जान का दुश्मन बन जाएगा। मामला बड़वानी के अंजड़ का है, जहां एक दोस्त की फोन पर दोस्त से कुछ बातें होती हैं और फिर फोन पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि बात गाली गलौज तक आ जाती है और फिर जो होता है वो किसी ने सोचा तक न था। गुस्से में लाल पीला इमरान अपने एक दोस्त तरुण के साथ पहुंचता है इंदिरा कॉम्प्लेक्स। वो इंदिरा कॉम्प्लेक्स जहां पहले से अफजल मौजूद रहता है। अफजल ने भी कभी सोचा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। कल की सुबह वो किसी और दुनिया में होगा। इमरान उर्फ अप्पू और तरुण कोहली इंदिरा कॉम्प्लेक्स पहुंचते हैं। उनके पास धारदार हथियार होते हैं और फिर दोनों मिलकर अफजल पर लगातार हमले पर हमले करते जाते हैं। ये दोस्ती आ रही थी इनकी, तो क्या पता कुछ ऐसा मालूम नहीं, मतलब इनके झगड़े हुए तो उसके दोस्त ने कुछ चाकू मार दिया। उसका नाम तरुण था और एक का नाम अप्पू था। ये रात 12:30 बजे की ये अपने अंजड़ में टाकी चुराए गए। देखिए, कल रात को एक दुखद घटना हुई जिसमें अंजड़ कस्बे में एक युवक की हत्या हुई है, जिसमें हमने आरोपी चिन्हित कर लिए हैं, जिनके FIR में नाम दर्ज है। अभी मामला विवेचना में है, इसलिए उनके नामों का भी खुलासा हम नहीं कर रहे। सुना, दोस्ती यारी थी इनकी, झगड़ा हुआ और फिर कत्ल। वो 23 साल का चिराग बुझ गया। वो दो बच्चे जो अफजल के थे अनाथ हो गए। अफजल इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इमरान उर्फ अप्पू और तरुण कोहली दोनों अफजल की हत्या कर भाग निकले। पुलिस को खबर की गई तो मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हुआ और दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। ये आपसी विवाद का मामला है। ये आपस में मित्र और आपस में एक दूसरे को जानने वाले थे। रोजाना इनका उठना बैठना था आपस में अपने साथ में, किसी बात पर विवाद हुआ इनका और ये घटना। यह हत्या साजिश थी या आवेश में हुआ यह कत्ल, या फिर बात कुछ और थी? आखिर उस रात क्या हुआ? इमरान और तरुण की अफजल से बात क्या हुई? क्या इसके पीछे कोई और बात है या फिर हत्या का कोई और राज है? पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। हत्या की वजह का खुलासा तभी होगा जब दोनों की गिरफ्तारी होगी। बहरहाल, घटना के बाद से दोनों युवक फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।
न्यूज 18 के लिए पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। चंबल की धरती के खूनी किस्से कितने सुनाए जाएं? मुरैना, नीमच, रायसेन आदि आदि जिला बदलते हैं, बदलती नहीं है तो सिर्फ जमीन की खूनी दास्तान, खून की प्यासी जमीन की कहानी आप सुनते सुनते थक जाएंगे। आखिर कब जमीन की प्यास बुझ पाएगी? जमीन के लिए चंबल लाल, जमीन के लिए रायसेन लहूलुहान, जमीन के लिए नीमच खून खून। जमीन खून मांगती है। जमीन के विवाद में बंदूक उठ जाने, तलवारें लहराने और खून से धरती को रक्त रंजित कर देने की घटनाएं मध्य प्रदेश के लिए नई नहीं है। चंबल की धरती पर खून की होली खेली जाती रही है। जवानी की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते कितने चेहरे आतंक के पर्याय बन गए, आंकड़े गिनाना और गिनना दोनों मुश्किल। तो क्या जमीन खून मांगती है? जमीन खून की प्यासी है। कुछ वारदात बताते हैं जब खून की नदियां बह गई। June 13, 2023 रायसेन। दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, विवाद इतना बढ़ा कि गोलियां चल गईं, 6 से ज्यादा लोगों को गोली लगी। सरपंच के पति और उसके भतीजे की मौत, पटवारी कोटवार समेत 6 लोग घायल। गोलीकांड की वजह जमीन। 11 June 2023 नीमच। 13 साल पुराना विवाद। विवाद जब बढ़ा तो संघर्ष खूनी हो उठा। चाकू गोद कर एक की हत्या, 3 घायल। चाकू कांड की वजह जमीन। मुरैना में हुए गोलीकांड से देश थर्रा उठा। 5 मई 2023 10 साल पुरानी अदावत। बंदूकें गर्जी तो जमीन पर बिछ गई। एक ही परिवार की 6 लाशें, धरती रक्त रंजित हो गई। हत्याकांड की वजह जमीन। 1 मामले में फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। लेपा गांव में गजेंद्र सिंह और धीर सिंह के परिवार के बीच जमीन के टुकड़े से विवाद शुरू हुआ। दोनों पक्षों के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। नतीजा यह हुआ कि विरोधी पक्ष मौका देकर धीर सिंह पक्ष के 2 लोगों को 2013 में मौत के घाट उतार देता है। वारदात के बाद गजेंद्र सिंह का परिवार गांव छोड़कर फरार हो जाता है। जगह बदलती है, तारीख बदलती है, राज्य बदलते हैं, पर जो नहीं बदलता वो है जमीन का विवाद और उसके खून की प्यास। कहीं दबंगई जान ले लेती है तो कहीं आन जान पर खेल जाती है। जमीन के विवाद को निपटाने के लिए कब तक बंदूक और लाठियों का सहारा लिया जाता रहेगा, ये सवाल बड़ा है। विवाद निपटाने के लिए कोर्ट कचहरी है, ग्राम पंचायत स्तर पर भी निपटारे का प्रावधान है। तो सवाल ये कि जमीन की खूनी प्यास कब शांत होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको दिखाएंगे टीकमगढ़ वो कोचिंग सेंटर जहां बच्चे जाते थे शिक्षा लेने, लेकिन कोचिंग के संचालक दो भाइयों ने जो घिनौनी करतूत की वो हैरान कर देने वाली थी। सभी मां बाप के लिए चेतावनी है ये कि इंसान के रूप में कौन भेड़िया मिल जाए। वो मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते थे, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। मंदिर में घिनौनी करतूत, दरिंदगी की सारी हदें पार। इंसानी खाल में था वो भेड़िया। नाबालिग छात्राओं के साथ करता था दुराचार। वो ज्ञान का मंदिर था, उस मंदिर को दरिंदे ने दागदार कर दिया। जहां ज्ञान की गंगा बहती थी वहां बदनामी की दास्तान लिखी गई। जहां भविष्य बनता है वहां दो नाबालिग छात्रा के भविष्य को बर्बाद कर दिया गया।
वो दो भाई इंसान नहीं थे, वो इंसान की खाल पहने अंदर से भेड़िया थे जो बस किसी के बदन को नोचना जानते थे। ये मामला टीकमगढ़ के खरगापुर थाना का है, जहां गांव में एक हॉस्टल चलता था। हॉस्टल में कोचिंग भी चलती थी और उसे चलाते थे दो भाई, लेकिन दोनों ही किसी की जिंदगी सवारते नहीं थे, बल्कि दोनों ने ऐसा कुछ किया जिससे दो हस्ती खेलती नाबालिग छात्राओं की जिंदगी तबाह हो गई। दोनों दरिंदगी के अपराध को अंजाम देते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दरिंदों की करतूत सबके सामने आ गई उसकी घिनौनी चेहरे की सच्चाई, जब पीड़िता के भाई ने अश्लील हरकत करते हुए देखा, माँ बाप को घटना की जानकारी दी और फिर मामला पहुंच गया थाने में। जब पुलिस ने छात्रा से पूछताछ की तो जो बात सामने आई, अब वो सुनिए। एक पुष्पा कोचिंग सेंटर के नाम से एक हॉस्टल कम कोचिंग संस्थान चलता था, जिसके संचालक था कुलदीप और सुदीप। तो सुदीप यादव जो है, उसने नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है और उस संबंध में पुलिस ने FIR दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस प्रकरण की विवेचना की जा रही है। सभी बच्चों को मानवीय दृष्टिकोण दिखाते हुए पुलिस ने उनके पेरेंट्स के सुपुर्द किया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुष्पा कोचिंग भटगोरा गांव में बगैर अनुमति के ही संचालित हो रहा था। गंभीर बात तो यह है कि इस हॉस्टल पर किसी भी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। जब घटना सामने आई तब प्रशासन की आंखें खुली और संचालक दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके कोचिंग पर ताला जड़ दिया गया। न्यूज 18 के लिए टीकमगढ़ से राजीव रावत की रिपोर्ट। इधर खंडवा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। पति और पत्नी की गला रेतकर हत्या के मामले में पुलिस ने तत्काल एक्शन भी लिया, पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंची, FSL की टीम भी पहुंची, महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस को इस मामले में अहम सुराग हाथ लगे। क्या है वो सुराग, आपको दिखाते हैं। धारदार हथियार, गले पर वार, पति और पत्नी को तारा मौत के घाट। डबल मर्डर की क्या है कहानी? क्या वो मौके के इंतजार में था? कौन है इस हत्या का कातिल? कत्ल का राजदार कौन? रात के अंधेरे में किसने गला रेता होगा? किसने रची होगी हत्या की साजिश? पति पत्नी घर के बाहर रात को चैन की नींद सो रहे थे, तभी कोई आया और गला रेत गया। मामला खंडवा की पिपलौद का है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। गांव के पास खेत में बनी झोपड़ी के बाहर खटिया पर सो रहे पति पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग बाहर सोने से डरने लगे हैं, लोग सहमे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। 100 लोग 100 तरह की बातें, हर किसी के पास हत्या की एक अलग कहानी है। लेकिन इस हत्या की असल कहानी क्या है, इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। हत्या के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, आला अधिकारी पहुंचे, FSL की टीम पहुंची और साक्ष्य जुटाने में लग गई है। पुलिस को सुराग भी हाथ लगे हैं। प्राथमिक तौर पर पुलिस पारिवारिक विवाद में मर्डर की आशंका जाहिर कर रही है। ऐसे में सुराग के साथ पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। घटनाक्रम हुआ है जिसमें पति पत्नी की लाश जो है उनके गांव से दूर जो उनका एक खेत है, वो खेत के में बाहर पाई गई थी और जो उनके गले पे धारदार हथियार से पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से कुछ चोटें हैं, जो प्राथमिक तौर पे जो हमारी FSL टीम ने उसको एग्जामिनेशन किया है और अभी मैं वो घटना स्थल से जो है बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और हमको एक लीड मिली है, उस लीड पर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी ही उस घटनाक्रम का खुलासा। तो
क्या ये पुलिस के शक की सुइयां परिवार के सदस्यों पर हैं? अगर हैं, तो फिर क्यों? क्या परिवार में संपत्ति को लेकर कोई विवाद? और अगर परिवार का कोई सदस्य है तो वो कौन है? कौन है जो रात के अंधेरे में धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर गया? वो कौन है? पुलिस को आखिर ऐसा क्या सबूत मिला? वो कौन सी लीड है जिसकी बात पुलिस कर रही है? वो कौन से महत्वपूर्ण सुराग हैं जिसके आधार पर कातिल को पकड़ा जाएगा? एक बार फिर से सुनिए, पुलिस की शक की सुइयां किस तरफ है? व्यक्तिगत कारणों की ही बात अभी तक सामने आई है, परिवार परिजनों से जो चर्चा हुई और किसी तरह के कोई विवाद की स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ पारिवारिक इशू है जिस पर हमारा भी काम चल रहा है। अभी मैंने कहा ना कि पारिवारिक है तो इसका मतलब इनके बीच के ही है, लेकिन अभी प्राथमिक स्थिति में हम बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस पारिवारिक विवाद की वजह से हत्या की आशंका जता रही है, जल्द खुलासे की बात कर रही है। तो क्या कातिल को डर है कि वो पकड़ा जाएगा? क्या जो लीड पुलिस को मिली है उसमें कातिल का नाम छिपा है? न्यूज़18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़18।